सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिल के विरोध में देश भर में किसानों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं किसानों के समर्थन में कांग्रेस सेवा दल द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में किसान संघर्ष यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा शनिवार दोपहर को आगरा से होते हुए दोपहर 3 बजे शाजापुर बस स्टैंड पहुंची, जहां पर सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमारी रघुवंशी ने संबोधित करते हुए कहा, भाजपा की केंद्र सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि कानून लेकर आई है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून की वजह से मंडी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी और इससे किसानों को नुकसान होगा, जबकि कॉरपोरेट और बिचौलियों को फायदा होगा। यात्रा प्रभारी अशोक क्रांतिकारी ने कहा कि कृषि कानून के नाम पर केंद्र सरकार मंडी व्यवस्था खत्म कर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित करना चाहती है। कांग्रेस सेवा दल शहर अध्यक्ष साजिद कुरैशी ने कहा कि कृषि कानून देश में जमींदारी का नया स्वरूप है, क्योंकि इन काले कानूनों की वजह से जहां किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वहीं प्रधानमंत्री के कुछ मित्र नए भारत के जमींदार बन जाएंगे। कुरैशी ने कहा कि केंद्र द्वारा लागू किए गए काले कृषि कानून का देश भर में विरोध हो रहा है। सेवा दल भी कृषि कानूनों की खामियां जनता को बता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जबरन कृषि कानूनों को किसानों पर थोप रही है, जिसके विरोध में पिछले 50 दिनों से अधिक समय से किसान कड़ाके की सर्दी में दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। लेकिन स्वयं को किसान हितैषी बताने वाली भाजपा की तानाशाह केंद्र सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष बंटी बना, राजकुमार कराड़ा, सेवा दल जिलाध्यक्ष कैलाश शुक्लाउदिया, आशुतोष शर्मा, सचिन पाटीदार, आबिद खान, रशीद खान, सद्दू पठान, मांगीलाल नायक, सादिक खान, अजय जाटव, कैलाश मटोलिया सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। द्वारा